Hello, dear students. A very good इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीवन. तो कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से. जी हाँ, आ गए हैं आज की क्लास लेके. आज हम चलने वाले हैं जो हमारे डीआई सीरीज चल रही है, उस डीआई सीरीज में आज हमारा होने वाला है क्या, फार्माकोलॉजी के सेक्शन पे हमारी बात होने वाली है. और जिसके मेजर टॉपिक हमारे क्या है, बड़े काम के हैं, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी नियोप्लास्टिन, वैक्सीन, सिरा एंड मिसलेनियस, इन टॉपिक से हमारा आज का कंटेंट होने वाला है. और ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है. चलिए बहुत बढ़िया. ब्रिजेश जी, ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर जरूर आएगा. करेक्ट है. चलिए ओके, तो शुरुआत किया जाए आज का सेशन. क्या हाल है आप सभी के? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं. आई होप आप लोगों ने आज लोहरी, कल आज बात करें तो मकर संक्रांति, बनाया होगा, पतंग उड़ाया होगा, तिल के लड्डू खाए होंगे और एनर्जी पाए होंगे. तो बस उसी एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले हैं और आज के सेशन में चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन कितने प्यारे और कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. अगर थोड़ा सा भी हमने यहाँ पे समझा तो कहीं ना कहीं सर, आपने कहा था सेंट्रल डीआई के पोस्ट आने वाले हैं, बट उसकी डेट तो अक्टूबर 2022 में ही हो गई. नहीं जी अस्मा, वो आपके 26 पोस्ट हैं जिसमें विद एक्सपीरियंस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. वो आई थी यूपीएससी के थ्रू आपकी आई है. मैं जो बात कर रहा हूं वो आने वाली है सीडीएससीओ के थ्रू. तो दोनों अलग है, करेक्ट है. चलिए बहुत बढ़िया. ओके, अगर कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के प्यारे प्यारे तिल के लड्डू खिलाने वाला हूं. इन क्वेश्चंस को समझिएगा और सही आंसर करोगे तो जो खुशी मिलेगी वही हमारे लिए ना सारी खुशी हो जाएगी. चलिए शुरुआत करें आज के क्वेश्चंस. चलिए मनीष, ऑल द बेस्ट बेटा आप सभी को. पहला क्वेश्चन आज की सीरीज में क्या है? द एंटीबायोटिक बिलोंगिंग टू द मैक्रोलाइड फैमिली. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये बिहार डीआई का क्वेश्चन है. बिहार डीआई वालों ध्यान से सुनना, जरा देखो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बारे में हमने बात जरूर किया होगा कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या करते हैं, रेस करते हैं आपस में. यानी बात करें तो क्या रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आता है. अब अगर आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा. बाकी के बारे में जरा बात करें, क्लोरामफेनिकॉल, दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोम एंड दिस इज द ड्रग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले. सारे क्वेश्चन मेरे साथ क्लियर किया करिए, मैं खाली एक ऑप्शन की बात नहीं करता. पेनिसिलिन जी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करेगा. ये हमारा एसिड लेबाइल होता है, बीटा लैक्टमेज लेबाइल होता है. क्लोक्सासिलिन, ये भी हमारी पेनिसिलिन डेरिवेटिव ही तो है, तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, कोई डाउट नहीं है. इरिथ्रोमाइसिन इज द करेक्ट आंसर, विच इज द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक. और हाँ, इरिथ्रोमाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से ऑब्टेन होती है. चलेगा. चलिए रेणुका जी, क्वेश्चन करिएगा तो मैं जरूर क्लियर कर सकता हूं, तो जरूर करूंगा. चलिए आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर इनमें से कौन सी है? आहा, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर याद है ना, क्या बोला था? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट इनहिबिशन, दैट इज द प्रोग्रेसिव इनहिबिशन इनहिबिटर. हमने बोला होगा टाइम के साथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टी बढ़ती है. ट्विंकल जी, एनालिसिस के क्वेश्चन है? बिल्कुल है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो. एनालिसिस का पेपर क्वेश्चन शायद हम 2020 को शायद डिस्कस होगा. जी हाँ, गुड, बढ़िया. चलो चलो जल्दी आंसर करो. मिल गया आंसर कि नहीं?
बहुत बढ़िया। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लेविलोनिक एसिड, जी हाँ, नेचुरल है, ऑप्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेविलगेरस, सेलबैक्टम, टोजाबैक्टम, ये भी हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हैं। करेक्ट है, ये तीनों हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हैं। और अगर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर तीनों हैं तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, और आपको ये पता है दीज आर द ड्रग विच इनहिबिट द बीटा लैक्टमेज एंजाइम एंड रिड्यूसेस द मेटाबॉलिज्म और द ब्रेकडाउन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। वहीं से तो हमारा आंसर मिल गया। कहां पे है ये क्वेश्चन पूछा गया? देखो सिंपल, अगर हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एफएनडी के, हमारा एक क्वेश्चन है 2021 में ये पूछा गया था। ऑल ऑफ द अबव का राइट आंसर है, दैट इज द बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करने वाली ड्रग कहलाती है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बेटा श्याम सुंदर, मैंने पहले बात किया है टीडीके और सीडीके का मतलब होता है, टीडीके मींस टाइम डिपेंडेंट किलिंग, अभी आएगा अमीनोग्लाइकोसाइड, अभी हम बात करेंगे सीडीके में। सीडीके हमारी क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग हमारी टाइम के साथ आती है, तो दोनों चीजें शायद हमने पढ़ी है। करेक्ट है। चलिए आज का ये टेस्ट, आज जो हम कंटेंट ये पढ़ रहे हैं, आज जो हमारा ये हो रहा है, इसका टेस्ट आपको मिलने वाला है। ये टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, कल आपकी डेट पे ये 9 बजे होगा, और इसके लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है और जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। एम्पीसिलीन सेलबैक्टम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, एमोक्सिसिलीन के साथ हम क्लेविलोनिक एसिड देते हैं, पाइपरासिलीन के साथ में हमने टोजाबैक्टम का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। जल्दी जल्दी कंफर्म कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तमिलनाडु पीएससी डीआई का क्वेश्चन है 2019 का। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात आएगी, क्या याद आएगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक याद आते ही आपको सुपर इंफेक्शन जरूर याद आएगा। याद आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो आंसर क्या हुआ? दो ही ड्रग मैंने आपको बताया था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिटी। हां जी, सिटी हमारा क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एजेंट। अब आंसर आपको खुद ही मिल गया होगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा? टेट्रासाइक्लिन इज द करेक्ट आंसर, जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है टेट्रासाइक्लिन का? टेट्रासाइक्लिन इज ऑल्सो द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, बाइंड ऑन द 30S राइबोसोम एंड इनहिबिट द टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स को बाइंड करने से इनहिबिट करता है। चलेगी? बहुत बढ़िया। हां जी, तो आंसर आपका क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने बोला क्या? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन जी एंड अमीनो ग्लाइकोसाइड आता है। कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो पढ़ी ना हो। जीरो विवडिन, आहा, AZT के नाम से बोला जाता है। जीडो विवडिन की बात किया जाए, जरा एक किस क्लास की ड्रग है जरा याद करके बताइएगा। जीडो विवडिन, यस, जीडो विवडिन इज द न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTI क्लास की ड्रग होती है, एंड वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर द इनहिबिशन ऑफ द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द HIV। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV को इनहिबिट करती है। क्लोरामफेनिकॉल CPA याद आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो जल्दी आंसर करो इसका। एक्सपायरी टेट्रासाइक्लिन कॉजेज द फेंकोनी सिंड्रोम। क्या बात है गायत्री, वेरी गुड बेटा। चलिए यहां पे आंसर करो, क्या आंसर आया? किसने बोला हर्पिस के ट्रीटमेंट में आप जीडोविबिन यूज करोगे? जरा उनको इधर लेके आओ। साहिल जी, हर्पिस में यूज होता है ए साइक्लोविर, ग्वेन साइक्लोविर, वेल साइक्लोविर, फेम साइक्लोविर हमारा यूज किया जाता है। पोलियो वायरस की तो बात ही मत करिएगा, पोलियो की हमारी अलग से वैक्सीन दी जाती है। रेबीज वायरस में भी हमारी यहाँ पे वैक्सीन आती है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? HIV इन्फेक्शन। अभी हमने बात किया ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन इनिबिट करता है। और अगर ट्रिक याद होगा, एबेका जूसे लंबा डायनासोर एंट्री किया, याद है? हां जी, बस बस, बहुत बढ़िया, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। NRTA एजेंट, NRTI होता है, और क्या करता है? ये सब तो अभी पढ़े हो यार, आंसर करते जाओ ना, क्या दिक्कत है? HIV को इनहिबिट करता है, HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वेमेन को से फीटस में HIV के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है, जिसको हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से बोला गया है।
चलिए आज स्टूडेंट क्या सो गए हैं क्या? इतना बेहतरीन टॉपिक है, अभी रिसेंट रिसेंट में आपने इसको पढ़ा है और फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हैं, मेरी पूरी पढ़ाई आपने बर्बाद कर दी। चलिए, टॉक्सिसिटी ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनिन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्विनिन का टॉक्सिसिटी क्या होता है? क्विनिन लिवोरोटेटरी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना प्लांट से ऑब्टेंड होता है, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना लेट्जेरियाना, हमारा ये अलग अलग इसके प्लांट होते हैं, आप शायद फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे। और क्विनिन एंड क्विनिडिन दो ऑब्टेंड होते हैं, क्विनिन की बात करेंगे लिवो रोटेटरी, क्विनिडिन की बात करेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी 9 8S9R, याद आ रहा होगा। चलिए आ जाओ, सब छोड़ो, इधर आओ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंकोना से मिल रहा है और अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो सिंकोनिज्म तो आ ही जाएगा ना, आंसर तो उसके नाम में ही छिपा है। जी हाँ, इट विल कॉज द सिंकोनिज्म, यानी सिंकोना की टॉक्सिसिटी हो सकती है। इट विल बी ऑप्शन सी। अरे बिल्कुल सही है, हमने कब बोला गलत है? वेरी इजी, लेकिन डीआई का पेपर में क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने आपको लगभग आधे से ज्यादा सारे पेपर्स के मिला के आपको डीआई के पेपर करा डाले हैं और आपने कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा होगा जो आपको नहीं सर ये समझ में नहीं आया। क्या बात है बेटा, सिंकोनिज्म, ब्लैक वाटर फीवर, सिंकोना कैलिसाया, क्विनिन 8S9R, रूबिएसी फैमिली, गुड। ये होती है असली पढ़ाई, लिटरली। हैप्पी फॉर यू बेटा, गुड। देखो जब पढ़ो ना तो खाली ये मत सोचो कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा, सारी चीजें सोचो ना, क्योंकि जो आप क्वेश्चन देख रहे हो जरूरी नहीं कि वो पूछ ले, लेकिन अगर उससे रिलेटेड अगर आपने सारी चीजें याद कर डाली तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें याद आएंगी। ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बेबी में एक्युमुलेशन होता है क्योंकि ग्लुकोरोनाइड कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। चलो 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 चलो, बढ़िया। Which of the following statement is false with the anthracycline antibiotic? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? Anthracycline antibiotic। हाँ जी, anthracycline antibiotic की बात कर रहे हो तो ये आपके कैंसर में आने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, अभी तो कैंसर शुरू ही किया है, लेकिन चलो पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करते हैं। Anthracycline antibiotic के बारे में फॉल्स पॉइंट बताना है। Bilary secretion is the major elimination of the root। बिल्कुल, कर्नाटका DI 2018 का पेपर है। चलिए, दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, काट दीजिएगा, बिल्कुल नहीं ओरली देते हैं। दे डू नॉट पेनेट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, हां जी तभी तो ब्रेन कैंसर में यूज कर सकते हैं। अंडर गो एक्सटेंसिव हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, हां जी इसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, बाइलरी रूट से एक्सक्रीट आउट होता है, पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है, और ये हमारी जो ड्रग होती है ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है। आंसर यहां पे आपको सब कुछ सही दिखा, क्या गलत है? ये ओरली दे सकते हैं, ये गलत है और फॉल्स आपसे पूछा गया था, आंसर आप लगा दीजिए कि इनको ओरली नहीं देते हैं, पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है। एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की बात करेंगे, जहां पे जितनी भी हमारी एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव है, एंटी कैंसर कैंसर कीमोथेरेपी में हम बात करेंगे, डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, इपीरुबिसिन, एड्रेरुबिसिन, रूबी रूबी हार्ट के लिए हानिकारक है, वही वाली कहानी तो है, फॉल्स मींस नॉट। हां जी चलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरल थर्ड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन, यूपीएससी डीआई 2011। इतना अगर हमने आपको पढ़ाया है तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही करोगे। चलो जल्दी से, सभी से उम्मीद है, नॉट अ ओरल थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। चलिए चलिए जल्दी चलिए, ए आहा हा, सी गुड, बी सोच समझ के आंसर करना बेटा, क्या पढ़ाया था? ऑल द फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हैव द सेफा एक्सेप्ट सेफेक्लोर विच इज द सेकेंड जनरेशन, याद आ रहा है? याद आ रहा है? और थर्ड जनरेशन में क्या बोला था? टैक्सी, टैजी, ये सारे हमारे आते हैं किसमें? डॉक्स, टैक्सी, टैजी एंड मी,
टैक्सी टजी एंड मी हमारी आती है क्या, जोन मी वन, 110 मी, याद है 110 मी, ये हमारे थर्ड जनरेशन में आते हैं। देखो जरा, हमने बोला 10, हमने बोला रेन और हमने बोला यहां पे डिन, ये तीनों हमारे क्या है, थर्ड जनरेशन ओरल एजेंट है। लेकिन सिफेक्लोर की बात करोगे, दिस इज द सेकेंड जनरेशन, ओरल है सिफेक्लोर और ओरल है लेकिन सेकेंड जनरेशन है। आपसे क्या पूछा गया है 110 मी के अलावा, यहां पे पूछा गया है नॉट एन ओरल थर्ड जनरेशन, आंसर क्या होगा, सिफेक्लोर आएगा कि नहीं, पाई फोर्थ जनरेशन, पाई में फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ में रोल की बात किया होगा, हर एक चीज तो याद आ रहा होगा। दिल्ली पीएमटी एग्जाम थर्ड जनरेशन, जहां से निकालो, इतने ट्रिक आपको पढ़ाया हूं बेटा कि मैं गारंटी देता हूं सिफेलोस्पोरिन के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चलेगा। चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब पढ़ाया हमने, यहां पे अब आपको एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है इस पे। एम्स एग्जाम अभी नहीं, अभी नहीं, तैयारी करते रहो। ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग, क्या लिखा हुआ है जरा ये देख लेना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पहला है वर्ड देखने लायक और दूसरा क्या है, ओरली इफेक्टिव, डॉक्टर लोलोजीन जू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो मयूर टैक्सी पर, और थर्ड जनरेशन में क्या बोला था, दिल्ली पीएमटी एग्जाम, यही तो बात किया था, बस इतने में सब आ जाएगा। ओके कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो, इससे इजी कुछ नहीं होगा। लवली बेटा ने आंसर दिया डी, क्या जी प्रश्न जी, डी, बढ़िया। किसी ने आंसर दिया सी, बहुत बढ़िया। सर बिहार डीआई कब होगा, अभी तो यार ये भी कंफर्म नहीं है कि बिहार डीआई ये पोस्ट मान्य होगी कि नहीं होगी, बस तैयारी करते रहो ठीक है, क्योंकि देखो फार्मासिस्ट डीआई का जो फार्मासिस्ट का बिहार पोस्ट आ रहा था उसको अभी डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, बिहार डीआई का होप सो जून तक मान के चलिएगा, उससे पहले नहीं। चलिए जल्दी कंफर्म करिए, क्या बोला था, क्या बोला था, दो होते हैं, एक हमारा इमिडाजोल और दूसरा हमारा कौन सी आती है, ट्रायाजोल। ट्रायाजोल में हमने बात किया था फुल वीआईपी और ये सिर्फ सिस्टमिक में जाती है, इमिडाजोल में हमने दो बात किया था हमारे क्या, सिस्टमिक एंड टॉपिकल, याद है सिस्टमिक एंड टॉपिकल। कीटोकैनाजोल हमारी टॉपिकल भी है सिस्टमिक भी है, और जब हम बात करते हैं क्या ओनली सिस्टमिक में, तो क्या पढ़ा था, आओ मेरे प्यारे कम, हां जी कम, यानी क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकैनाजोल, मिकोनाजोल, इकोनाजोल, जरा देखो सिस्टमिक की बात हो रही है, ओरली इफेक्टिव नहीं है, पेरेंट्रल दिया जाएगा, लेकिन कीटोकैनाजोल ऐसी ड्रग है जो टॉपिकल भी दोगे ओरल भी दोगे और बात किया जाए तो पेरेंट्रल भी दोगे। सर ऑप्शन तो टॉपिकल और सिस्टमिक के हैं, सारे ऑप्शन तो टॉपिकल और सिस्टमिक के हैं, अच्छा फिर से सोचो जरा ऑप्शन, आप अच्छा क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारी कीटोकैनाजोल है ओरल कौन कौन सी ड्रग काम करती है, मैं आपको बता दूं ओरल कौन कौन सी काम करती है, के फिट, हां जी ओरल काम करने वाली, यानी कीटोकैनाजोल, फ्लुकैनाजोल, इट्राकैनाजोल एंड हमारा ट्रायाजोल डेरिवेटिव जो हमारे आते हैं जिसको हम टर्बिनाफिन की बात करते हैं एंटीफंगल में। एंटीफंगल में जरा सुनना, कीटोकैनाजोल, फ्लुकैनाजोल, इट्राकैनाजोल एंड टर्बिनाफिन, यही ड्रग है जो ओरली दी जाती है, बस इतना याद रखो। क्या ओके आई एम फिट, अगर मैं फिट हूं तभी तो मैं ओरल लूंगा ना, गुड। चलिए बढ़िया है, आंसर कीटोकैनाजोल की बात किया हमने, यहां पे देखो ओरल एंटीफंगल ड्रग करेक्टली यूज, के फिट की बात किया, कीटोकैनाजोल, इट्राकैनाजोल, फ्लुकैनाजोल एंड टर्बिनाफिन हमारी दी जाती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात हुआ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटो आल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हाँ तो पूछा तो यही गया है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अब दूसरे एंगल से यही है ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो सिर्फ आपकी कीटोकैनाजोल ही है ना।
चलिए मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड इन, किसमें यूज होती है मेट्रोनिडाजोल जरा कंफर्म करो, याद आ रहा है अमोइबियसिस, नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, आंसर कर दो ना यार। और हाँ मेट्रोनिडाजोल के बारे में एक चीज और बात किया था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। थोड़ी सी आप लोगों से मुझे गिला सिकवा है, थोड़ा सा इक्तूसा, मतलब पूरी मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ड्रीम था कि जनवरी में तो एटलीस्ट मैं यूट्यूब पे 2 लाख सब्सक्राइबर तो अचीव कर ही जाएंगे जीडीसी, मतलब पढ़ रहे हैं ये सब्सक्राइबर वाले बटन में दबाने में, मतलब थोड़ा सा एक फील आता है कि हाँ यार चलो हम स्टूडेंट को कुछ अच्छा दे रहे हैं, हमें भी एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि हाँ स्टूडेंट को पसंद आ रहा है हमारी मेहनत। यूट्यूब है यार, बहुत सारे चैनल, मैं बहुत सारे अगर इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा तो शायद वो अपने कंटेंट्स को यूट्यूब पे लाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जेडीसी कर रहा है तो थोड़ा सा तो आपका यार साथ प्यार और सपोर्ट तो चाहिए ना। चलिए उम्मीद करेंगे। और हाँ ये चीज मेरे कल दिल में यही आ रहा था जो आप बोल रहे थे ना, नॉन टेक वाला सर नॉन टेक करवा दीजिए, नॉन फार्मा। आई कैन एश्योर जिस दिन मेरा ये 2 कंप्लीट हो गया, लगातार आपको हर जो टॉपिक होता है जैसे हिंदी इंग्लिश की बात करें या मैथ या आपके करंट फार्मा की बात करेंगे, सारे वीडियोज आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए आ जाइए, मेट्रोनिडाजोल का आंसर मिल गया कि नहीं, क्या क्या, अमोइबियसिस की बात करेंगे, अमोइबियसिस की बात करेंगे, जीआरडीएसिस की बात करेंगे, ट्राइकोमोनियसिस की बात करेंगे, लेस्मेनियसिस की बात करेंगे, सब में मेनली इन तीनों में तो हमारी मेट्रोनिडाजोल है ही है ना, तो आंसर काहे रुके हो, लगाओ आंसर। एग्जाम तो 10 फेब का है एमपीडीआई वालों, अगर उससे पहले चाहिए तो पूरा कर दो मेरा ड्रीम, मैं आपका कंटेंट। चलो आ जाओ। ओके, अमोइबियसिस, जीआरडीएसिस, ट्राइकोमोनियसिस, एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, यानी हम बात करते हैं इन सब में हमारा ये यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ो। हाँ मेट्रोनिडाजोल की बात हो रही थी। अच्छा मेट्रोनिडाजोल काम कैसे करता है, मेट्रोनिडाजोल जितने भी हमारे नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं वो नाइट्रो ग्रुप रिलीज करते हैं, और नाइट्रो ग्रुप क्या करते हैं जरा याद करना, क्या इनहिबिट करते हैं, P4 वगैरह कुछ याद आ रहा है क्या, CGMP हमारा, यानी हमारा बात करेंगे डाइसल्फिराम लाइक एक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। जरा हर एक चीज को याद करिएगा, जरा हर चीज को याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ड्रग आर फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्सेप्ट एमपीडीआई 2012। चलो चलो फटाक से आंसर करो। देखो फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में बात हो रही, अब आप बोलोगे सर ये भी तो क्विनोलोन है, हाँ क्विनोलोन है, लेकिन नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है। नैलिडिक्सिक एसिड डू नॉट हैव द फ्लोरीन ग्रुप, इसमें फ्लोरीन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्विनोलोन है, काम वही है डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके, बस अंतर कहां पे है, अंतर खाली एक ही जगह है कि ये हमारा फ्लोरीन कंटेनिंग नहीं है। चलेगा, ओके आंसर इज द डी, दैट इज द नैलिडिक्सिक एसिड। चलिए फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन्स की बात करेंगे, नैलिडिक्सिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था याद है कि नहीं, नो CNOP की बात किया था, CNOP सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सासिन, सेकंड जनरेशन सारे बड़े बड़े नाम वाले। चलेगा, और यूटीआई के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, नॉन फ्लोरिनेटेड होते हैं क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स। चलो कोट्रीमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन, जल्दी बोलो, देखो क्वेश्चन देखो, केरला डीआई 2018 इतना तो पढ़ा है ना कि कोट्रीमोक्साजोल अगर आंसर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, कोट्रीमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्राइमिथाप्रिम एंड द सल्फामिथोक्साजोल, बोलो बोलो बोलो, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन है, सल्फामिथोक्साजोल 5 ट्राइमिथोप्रिम 1 के रेशियो में दिया जाता है और हमारे ये यूटीआई में यूज होता है। सारे आंसर दे डालो अब आप, वेरी गुड, क्या क्या इनिबिट करेगा है,
ये इनहिबिट डीएनए गायरेज कोट्रीमोक्साजोल, इधर आओ वापस आओ, कहीं कुछ गलती हुई है। ये इनहिबिट क्या करता है, जो हमारा ट्राइमिथोप्रिम है, ट्राइमिथोप्रिम की बात करेंगे, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट करेगा, सल्फामेथॉक्साजोल डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज इनहिबिट करेगा। यही तो हमारा कॉम्बिनेशन है, और बॉडी में जाने के बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है, 20:1, और दिया कितना जाता है, 5:1 के रेशियो में दिया जाता है, बस फोलिक एसिड, यही तो हमने बोला, सल्फामेथॉक्साजोल 5 ट्राइमिथोप्रिम 1, बॉडी में जाने के बाद 20:1 का कंसेंट्रेशन होता है। कॉम्बिनेशन में है तो बैक्टीरियसाइडल होता है, सब पढ़ चुके हो। एंटीफंगल एंटीबायोटिक एम्फोटेरिसिन बी इज ऑब्टेंड फ्रॉम, एम्फोटेरिसिन बी किस क्लास की ड्रग है, पॉलीइंस एंटीबायोटिक है, करेक्ट। पॉलीइंस एंटीबायोटिक की चार ड्रग आती हैं, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हेमाइसिन, नेटामाइसिन हमारी ड्रग आती है। अब बात किया जाएगा, जरा सोर्सेस की बात किया जाएगा, चलो जल्दी से बोलो ना, जल्दी से बोलो ना, हमने क्या बात किया था, एम्फोटेरिसिन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, याद आ रहा सर? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बोथ आर स्टैटिक कॉम्बिनेशन साइडल, एग्जैक्टली, चलो सोर्स बताओ ना आप। अच्छा मैंने क्या बोला था, पिंपी रहना, ये किसका सोर्स है बोलो ना, सारे सोर्स बताओ, सेल मेम्ब्रेन पे काम करेंगे, एकदम करेक्ट है, जरा ये तो आपको पता है, ये ग्रिशियोफुल्विन का है, पिंपिरेना किसका है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपिरेना, क्या बोला था, पिंपल, क्या बोला था, कुछ याद आ रहा है, हेमा को पिंपल, हेमा को पिंपल, हेमाइसिन इज द सोर्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपिरेना, कुछ तो याद रखो, कुछ तो याद रखो, आपका स्ट्रेप एम्फोटेरिसिन भी है, वो तो नोडोसस है, पिंपल्स ये हमारा, अच्छा सॉरी, ये हमारा स्टेम्फोटेरिसिन बी सेल मेम्ब्रेन पे काम करेगा, और सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या करेगा, मेनली ये बोलते हैं ना कि लीकेज वाला पोर, सेडोपोर फॉर्मेशन कराएगा, हाँ जी वहीं पे हमारा ये एक्शन आएगा। सोर्स एम्फोटेरिसिन बी नोडोसस, निस्टैटिन की बात करेंगे नौसी, हेमाइसिन पिंपिरेना, नेटामाइसिन नेटालेंसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following antiretroviral drug belong to the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor NNRTI? और NNRTI में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, खत्म है, महाराष्ट्र डीआई, महाराष्ट्र डीआई 2015 का पेपर है, चलो जल्दी फटाफट करो, डू इट फास्ट, थोड़ा सा डिले चल रहा है, जल्दी करो, एंड बोलो ना, इफीवेरेंज, नेविरापिन, डिलावर्डिन, इंड, NNRTI पूछा है, कौन बोला बेटा, नेविर देखना है, नेविर देखने को मिलेगा तो प्रोटीएज इनहिबिटर आएगा, और एबेका जूसे लंबा से स्टाविविडिन NRTI, ये NRTI है, ये क्या है, NNRTI है, आपसे पूछा यही गया है NNRTI के बारे में, करेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर नेविरापिन की बात करेंगे। ओके चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन मास एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फाइलेरियासिस इन इंडिया, कहां का क्वेश्चन है, केरला हेल्थ इंस्पेक्टर एग्जाम 2015, याद है अभी पढ़ाया था ना बच्चों, कब पढ़ा था, अभी हेलमेंथियसिस में ही तो हमने इसको पढ़ा है, जल्दी से आंसर करो बच्चों, देख के खुशी होती है कि बच्चों को अगर पढ़ाया गया है तो क्या बच्चे आंसर करते हैं, और भागने वालों बच्चों से मुझे सख्त एलर्जी होती है, अरे पढ़ लो प्यारों, रख हौसला सारे हल मिल जाएंगे, और कर मेहनत बहुत सारे फल मिल जाएंगे, तो यार क्यों डरना है, मेहनत करते रहो, ऑब्वियस बात है सब अच्छा होगा, अरे फाइलेरियासिस की बात हो रही है, इतने बड़े क्वेश्चन में मत जाओ, फाइलेरियासिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताई थी, एग्जैक्टली ड्रग ऑफ चॉइस डीईसी डाइथाइल कार्बामाजिन, आंसर करो ना, अब यहां पे इनका तो कोई रोल ही नहीं है फाइलेरियासिस में, चलिए अब देखो टफ होता है कि नहीं होता है फार्मासिस्ट एग्जाम वो बाद में देखेंगे, अभी डीआई का पेपर आप देख रहे हो, फाइलेरियासिस
एलिफेंटिएसिस, वुचेरिया बॉनक्रॉफ्टी, हां जी वही हमारा कॉज करता है। आहा, ये वाला क्वेश्चन मस्त है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक हैव बीन करेक्टली पेयर टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मत भूलिएगा। क्या बोला गया, वेंकोमाइसिन इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, वेंकोमाइसिन इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, वेंकोमाइसिन नहीं, नेट गया नहीं बेटा, नेट आ गया, परेशान मत हो, परेशान मत हो। हां जी हां जी, एक एक नेट चला गया, कोई बात नहीं, दूसरा नेट है हमारे पास। चलो 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 चलो, नेक्स्ट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ द बैक्टीरियल टोपो आइसोमरेज। हां जी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमने बोला था डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमरेज में काम करता है, लेकिन सब सही है, पहला वाला गलत है बेटा, क्योंकि वेंकोमाइसिन आपका पॉलीमराइजेशन पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं इनहिबिट करता है, चेन इलोंगेशन इनहिबिट करता है। बात समझ में आई? ओके सुनील जी, थैंक यू। सो आंसर हमारा क्या हुआ, दैट इज द फर्स्ट वन, इट डू नॉट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता है, ये हमारा क्या करता है, चेन इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। आप में पूछा गया सभी करेक्ट मैच है, कौन सा गलत है, तो आंसर ए गलत है, जी हाँ, क्योंकि ये हमारा इनहिबिट करता है क्या, अगर याद आ रहा हो आपको, ट्रांसग्लाइकोसाइलेज वगैरह कुछ याद है क्या? ओके चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीइंस एंटीबायोटिक एमएसडीआई, महाराष्ट्र डीआई की बात हो रही है, चलो फटाफट, पॉलीइंस एंटीबायोटिक प्राइमरली एक्ट बाय द इनहिबिटिंग फंगल एजबेस्टेरॉल सिंथेसिस, इर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस इनहिबिट करती है, नहीं करती है, क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स, हां जी पाप, याद है ना, सेल मेम्ब्रेन पे क्या करता है, पोर का फॉर्मेशन करता है, इनहिबिट फंगल डीएनए सिंथेसिस, नहीं, डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूब्यूल, बिल्कुल भी नहीं, यहां पे हमारा फाइव एफसी काम करेगा, यहां पे हमारी ग्रिशियोफुल्विन काम करेगी, और यहां पे हमारी एजोल्ड काम करेगी, और माइक्रोपोर का फॉर्मेशन कराएगा कौन, पॉलीइंस एंटीबायोटिक। मिला कि नहीं आंसर आपको, चाहे निस्टेटिन, हेमाइसिन, एम्फोटेरिसिन भी, ये सभी हमारी क्या करेंगी, पोर का फॉर्मेशन करेंगी। प्रयास सीरीज आपकी यूट्यूब में है सर, काफी वीडियोस होंगे बेटा, काफी वीडियोस होंगे, लेकिन सभी कुछ यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर है। सो पॉलीइंस एंटीबायोटिक क्या करते हैं, पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इन लो कंसंट्रेशन स्ट्रेप्टोमाइसिन, बिहार डीआई, चलो, लो कंसंट्रेशन, देखो साफ साफ लिखा गया है कि लो कंसंट्रेशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या एक्शन होता है। चलो, क्या आपको देखने को मिलेगा, और मैंने अभी बोला है ये क्या है, सीडीके है, जरा कंफर्म करो, सीडीके है, तो क्या मिलेगा आंसर फटाक से, अरे ऑब्वियस सी बात है, जब सीडीके है तो बोलोगे ना कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग मतलब इनिशियली आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टैटिक, और हायर डोज में क्या मिलेगा, साइडल देखने को मिलेगा। बस बस बस, वही तो कहने का यहां पे मतलब है, और तो कुछ है ही नहीं है। चलिए आंसर यहां पे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन में स्टैटिक है, हायर कंसंट्रेशन में साइडल है, तो सीडीके, हां जी सीडीके, बस यही तो कहानी है, सीडीके वाला पॉइंट याद रखो, इसी वजह से आपका आंसर आ जाएगा, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, इनिशियली स्टैटिक, हायर में साइडल देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियसाइडल ड्यू टू इट्स इफेक्ट दैट आर नॉट फुली अंडरस्टूड, एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट ओनली बैक्टीरियल ग्रोथ। हां जी, लो कंसंट्रेशन पे स्टैटिक है, हाई कंसंट्रेशन पे साइडल होता है। मजा आ रही है, चलो आ जाओ और मजा दे देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मेन कॉज ऑफ द डिट्रियोरेशन ऑफ द पेनिसिलिन इज द रिएक्टिव ऑफ द स्ट्रेन रिंग। आहा, मतलब पेनिसिलिन का जो डिट्रियोरेशन होता है, यानी हमारा काम नहीं करता है, यानी रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, प्लीज, ओडिशा डीआई का भी कोई खबर नहीं है, चलिए जल्दी आंसर करिए।
ओके तो आंसर हमारा यहां पे क्या है? अरे ऑब्वियस सी बात है, पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होगी, काहे परेशान हो, बीटा लैक्टम रिंग याद है ना? हां जी, इसी बीटा लैक्टम रिंग तो हमारा मेन होता है, जिसकी वजह से एक्शन होता है, और अगर इसी को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो उसी की वजह से प्रयास सीरीज आपके छोटे पैक में बड़ा धमाका पूरी सीरीज मिल जाती, डीआई में हेल्प हो जाती है। पूरी सीरीज है बेटा, पूरी सीरीज है आपकी। और एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी प्रयास, एक मिनट बताइएगा बेटा, ऑलमोस्ट उसमें आपको 35 टेस्ट मिल रहे हैं, आपको उसमें लगभग 8 से 9 टीचर का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर आपसे 35 टेस्ट का प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ ओनली 99 रुपीज ले लिया गया, तो बेटा इतना कॉस्टली तो नहीं हो जाएगा? अरे मेरा खर्च मत दो चलेगा, लेकिन बाकी टीचर जो हैं उनको तो कम से कम कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो 99 रुपीज में प्रयास टेस्ट आपके लिए इतना कॉस्टली नहीं हो सकता। चलिए सिंपल है बेटा, बस खाली लैंग्वेज घुमाया गया है इसमें और कुछ भी नहीं है। आशीष फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कैसे काम करता है? चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी बोलिए। पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। नो सुन, नहीं बेटा देखो, मैंने बोला ना मेरे लिए मत दो, लेकिन जो बाकी टीचर्स को जोड़ के रखना पड़ता है उनको खर्च जाना पड़ता है बच्चे, थोड़ा सोचो। हलवा क्वेश्चन है, लगाओ ना पेनिसिलिन, इंटरफेयर विद द सेल मेम्ब्रेन, माफ कीजिएगा, इंटरफेयर विद द सेल वॉल, आंसर लगा दीजिएगा। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से कोई कहानी नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को ना ये चुटकी बजा के आंसर करेंगे। सर 10 न्यू ईयर डिस्काउंट में रुपए में लिया प्रयास टेस्ट सीरीज, बढ़िया, 10 रुपए में भी बच्चे लिए हैं, 29 रुपीज में भी लिए हैं। अब यार इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? तेलंगाना डीआई में पेपर 1 गाइडेंस चाहिए। मनोज जी मैं आपको श्योर करता हूं बहुत जल्द ये मैं थोड़ा सा कहीं से फुर्सत हो रहा हूं, मेरे बच्चे समझ रहे होंगे आज एंटी कैंसर पढ़ रहे हैं, कल खत्म कर लेंगे। इससे जो फुर्सत होने के बाद मुझे 10-15 दिन का ब्रेक मिलेगा, और इसमें मैं खाली डीआई सीरीज चलाने वाला हूँ। डीआई सीरीज के लिए कहाँ पे क्या जरूरी है, कैसे तैयारी करना है, पूरा उसके बारे में विथ डिफरेंट टाइप के जो एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी डीआई बन चुके हैं, उनसे भी डिस्कशन चल रहे हैं, उनके सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जीपैट में आते हैं क्या? अगर आपको लगता है कि आप इतना इन क्वेश्चंस को यू चुटकी बजा के आंसर कर दे सकते हो, तो हाँ मैं कहूंगा फिर आप अच्छे हो। चलो, डैप्सोन इज यूज्ड टू ट्रीट तमिलनाडु डीआई, फटाफट चलो। कम ऑन, अरे डैप्सोन सबसे ज्यादा तो लेप्रोसी में यूज होता है, उसमें भी सोच रहे हो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री में यूज होता है, वही पापा फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, एक ही नाम तो है लेप्रोसी। देखो मतलब इतना क्वेश्चन हल्का होता है, कभी कभी लगता है वाकई यार डीआई में इतना पेपर कैसे इजी कर देते हैं, और बच्चे बोलते हैं सर पेपर बड़ा इजी है। अरे मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको खाली प्रीवियस ईयर के करा रहा हूं। सीडी रोम याद है ना, सीडी रोम याद है ना, क्लोफाजेमिन डैप्सोन रिफैम्पसिन ओफ्लॉक्सासिन मिनोसाइक्लिन क्लेरिथ्रोमाइसिन, अरे सारी ड्रग तो आ गई। बस बस बस, मैराथन क्लास पहले कंफर्म कर दूं बेटा, डीआई की अभी चल रही है, ये मैराथन ही है डीआई की है, अगर आपको डबल दिया जा रहा है यार कब समझोगे? देखो क्वेश्चन देखना कितना टफ है और आंसर देखना कितना इजी है। 8 डे ओल्ड न्यू बॉर्न इज सफरिंग फ्रॉम द अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, द रिस्क ऑफ द कर्निक टेरस विल बी इंक्रीज विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। क्या देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, बताओ कितना टफ है?
डीआई पेपर इजी होता है, कंपटीशन टफ होता है। एकदम आपने अब सही बोला यहां पे सांतोरी जी। ब्रेन ज्वाइंटिस आया ना कर्निक टेरस, सल्फोनामाइड याद आया कि नहीं याद आया? आंसर लगाओ। ओडिशा डीआई 2012, क्या दिक्कत है? हाँ, आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है, ये भी याद रखना, हल्का नहीं है, मैं लिटरली बोलता हूं, यही 50 क्वेश्चन जरा। हाँ, समझ रहे हो ना? चलो, करेक्ट है। सल्फा सॉल्युबिलिटी लो होती है, एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, हमारे बॉडी में ब्लड में एक्युमुलेट होता है, ट्रिपल बी क्रॉस कर लेता है और क्या करता है, हाइपरबिलिरुनेमिया करने की वजह से ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट याद है? I am bactericidal because a very quiet person is rarely protected. और static में क्या बोला था? Static causes no total or no complete metabolism through elimination. बस इसी में सब कुछ है। आंसर निकाल लो, आंसर निकालो। Ceftriaxone cephalosporin derivative है, cidal है। Gentamicin aminoglycoside derivative है, cidal है। Clotrimoxazole combination में है, cidal है। APDI है, आंध्र प्रदेश DI। क्लोरामफेनिकॉल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, स्टैटिक है क्योंकि ट्रिक क्या कहती है, ऑल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर सेल मेम्ब्रेन एक्टिंग ड्रग आर द साइडल, ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आर स्टैटिक एक्सेप्ट अमीनोग्लाइकोसाइड। हर चीज के लिए ट्रिक दिया है बेटा, बस उतना वर्ड याद रखना और कुछ नहीं। चलिए, क्लोरामफेनिकॉल का आंसर आपको मिल गया होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर सेल मेम्ब्रेन एंटी ट्यूबरकुलर, बहुत सारे। चले 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 चले। पेनिसिलिन जी कंटिन्यू टू बी द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फॉलोइंग डिजीज एज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैज नॉट डेवलप रेजिस्टेंस एट। गुड, चलिए फटाफट ये क्वेश्चन आपके तरफ से छोड़ता हूं। क्या बोला सर? जीके भी पढ़ाएंगे क्या? वो भी 100 नंबर का होता है, प्लीज नाम लीजिए। रोबिंश, हां जी हाँ जी बिल्कुल, मैंने बोला ना बेटा जीके के लिए अगर पढ़ना है मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको पढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपसे आंसर चाहिए, क्या बात है, ध्यान से सुनो। अच्छा क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, अगर मुझे यहां लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है बेटा, सिफिलिस के लिए आज भी ड्रग ऑफ च्वाइस क्या है जरा ये बता दो प्लीज। सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस आज भी क्या है? अरे सिफिलिस के लिए आज भी पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। जेरिक हेक्सिमियर रिएक्शन याद आ रहा होगा। पेनिसिलिन जी कंटिन्यू टू बी द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फॉलोइंग डिजीज एज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैज नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंस एज एट। हां जी, सिफिलिस में पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस नहीं होता है, आज भी उसमें यूज होता है, इसीलिए न्यूरोसिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या पढ़ाया नहीं है बच्चों? तो आंसर गोनोरिया पे काहे जा रहे हो जी? गोनोरिया पे कौन गया? यस, दैट इज द सिफिलिस। सिफिलिस ये हमारा क्या बोला था? ब्लास्ट माई पेनिसिलिन जी एस फॉर आपका यहां पर ट्रिपोनोमा पैलेडियम सिफिलिस आया था कि नहीं? गोनोरिया में यूज होता है, प्लीज ध्यान से सुनो, यूज होता है और ड्रग ऑफ चॉइस दोनों अलग वर्ड है, प्लीज कंफ्यूजन नहीं। सर आपकी क्लास कैसे ज्वाइन करें? किस क्लास की बात कर रहे हो? डीआई फार्मासिस्ट जीपैट, आप उस पर पहले क्लियर करेंगे तब आंसर कर पाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे बी यूज फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द मलेरिया? वर्ड क्या लगा है प्लीज? चलो आंसर करो, जल्दी करो। क्लोरोक्विन सिप्रोफ्लोक्सासिन डॉक्सीसाइक्लिन मेट्रोनिडाजोल। सर हाउ टू रीड केडी त्रिपाठी? दिल से, सच में इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं है। जीपैट की क्लास का टाइम क्या है? चलिए आइए आइए
आंसर क्या मिला पहले ये बताओ मुझे। अच्छा मुझे पहले उन महानुभावों से मिलवाइए, उन महानुभावों से मिलवाइए जो ये कह रहे हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजॉल आपके मलेरिया में यूज होता है, जरा उनसे मिलना चाहेंगे। जीपैट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी क्लास बेस्ट है? आपको जेडीसी प्राइम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट क्लास है, आप उससे कर सकते हैं। चलिए अरे सिंपल आंसर करो ना यार, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजॉल क्या ये आपकी मलेरिया में यूज भी हो सकती है? नहीं। तो यूज कौन सी होती है? क्लोरोक्विन यूज होती है, डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन यूज होती है कि नहीं? क्या याद आ रहा है? 4-8-ABCDNPQSST टेट्रासाइक्लिन, 4-aminoquinolones क्लोरोक्विन। तो आंसर लगाओ पी और क्यू कहां मिल रहा है? लो आंसर मिल गया। बहुत बढ़िया, गुड, दैट इज द सी आंसर। सर ये एंटीबायोटिक है सर, यहां एंटी मलेरियल की बात हो रही है। अच्छा एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन बताओ ना, क्या उसमें डॉक्सीसाइक्लिन नहीं आती? टेट्रासाइक्लिन नहीं आती, बताओ ना मलेरिया क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि नहीं? जिन बच्चों को मैंने बोला है उनको याद आ गया होगा। और प्रोफाइल एक्सिस के लिए हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ कंट्री मैप, यानी डॉक्सीसाइक्लिन क्लोरोक्विन मेफ्लोक्विन एटोवाकिन प्रोग्वानिल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये ट्रिक जरा एक बार लिख लेना, कुछ एड ऑन में आपको दिया जा रहा है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए ये आपकी ड्रग है, ट्रीटमेंट में तो आपने पूरा पढ़ा है, अगर प्रोफाइलेक्सिस के लिए पूछा जाए तो ड्रॉ कंट्री मैप प्लीज लिख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, बेटा अगर आपने जीपैट की अच्छे से तैयारी कर ली है ना, गारंटी के साथ फार्मासिस्ट डीआई सब हो जाएगा, बस अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीफंगल ड्रग कॉजेस ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एज इट हैज द ग्रेटर प्रॉपर्टी टू इनहिबिट मैमेलियन साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिशन। आहा, क्वेश्चन इतना बड़ा, सच में क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतू सा। बोलो 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 बोलो। सर हमेशा कंसिस्टेंसी कैसे रहे? बस अक्षय जी डिसिप्लिन रहो, अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड रहो। कुछ नहीं है, साफ साफ बोला है कीटोकैनाजोल विच इज एंजाइम इनहिबिटर। जी हाँ याद आ रहा है, विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन या विक्की के नाम से। तो कीटोकैनाजोल एंजाइम इनहिबिशन हो गया पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है? कीटोकैनाजोल आल्सो कॉजेस द गाइनेकोमेस्टिया। हर एक चीज तो है फ्रॉम जनरल फार्माकोलॉजी, वहीं से आंसर है बच्चों एक्चुअली, और कुछ नहीं है। गुड, कीटोकैनाजोल इज द करेक्ट आंसर। सल्फोनिल यूरिया फेनिट्राइन साइक्लोसेरिन वारफेरिन बहुत सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा भी स्पीड अप करते हैं। Which of the following is the anti-metabolite drug having antifungal drug? क्या बोला गया है? Anti-metabolite drug having antifungal drug. एक ही तो drug है। झारखंड PSCDI की बात हो रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। DI क्लास का नया बैच अभी नहीं, DI क्लास का नया बैच आपका फास्ट स्टार्ट होने जा रहा है फरवरी फर्स्ट वीक से। GDC क्लासेस ऐप पे जाओगे आपको सारे कोर्सेज का पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप चाहे जीपैट चाहे फार्मासिस्ट चाहे DI की बात कर रहे हो सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। जस्ट डाउनलोड GDC क्लासेस ऐप, यू विल गेट ऑल द थिंग्स एट द पोजीशन देयर। एक ही तो ड्रग है 5-fluocytosine। हां जी देखो कोट्रिमाजोल हमारी एजोल डेरिवेटिव है, ग्रिशियोफुल्विन हमारी क्या करती है? माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, टर्मिनाफिन स्क्वालिन एपॉक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट करती है। एंटी मेटाबोलाइट के नाम पे 5-fluocytosine ही तो है। ये कौन बोला टर्मिनाफिन, ग्रिशियोफुल्विन, टर्मिनाफिन? धन्य हो प्रभु, कहां है आप? क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, ऐसे गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इतना इजी क्वेश्चन गलत करोगे। और ये बोला था बहुत बढ़िया कि ये हमारा सिनर्जिस्टिक एक्शन देता है एम्फोटेरिसिन बी के साथ। प्लीज फ्लोसाइटोसिन 5-fluorouracil देन 5-fluorodeoxyuridine मोनोफॉस्फेट थायमिडिलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करेगा, थायमिडिन नहीं बनने देगा।
कुछ याद आ रहा है कि नहीं? नहीं जी ज्योति जी, कोई डेट अभी नहीं है ओडिशा डीआई, एज सून एज पॉसिबल इट विल पब्लिश, डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म एवरीवन। ओके द नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेरेब्रल मलेरिया, साफ साफ क्लास में बोला गया था सेरेब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, प्लीज। हैं, याद आ रहा है कि नहीं? फार्मासिस्ट बॉय क्या कह रहे हो सर, मैं 8th सेमेस्टर में हूं, 3 मंथ में जीपैट एग्जाम और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूं, एमपी शेहोर से, और मुझे 6 मंथ्स में करना है, हाउ टू प्रिपेयर, इन सब के बीच कुछ रेडी हो सर, फिंगर टिप्स बुक परचेज कर। देखो फिंगर टिप्स ठीक है, रिवीजन हो सकता है लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मेहनत करेंगे तभी। साफ साफ नहीं, क्विनिन, ध्यान से सुनो, क्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में, खासतौर पर सेरेब्रल मलेरिया जो मैंने आपसे बोला था उसके लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्विनिन सल्फेट, इसका हमारा आता है, दैट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, साफ साफ मैंने इसके बारे में बात किया था, क्विनिन हमारे सेरेब्रल मलेरिया और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, दो चीजें मैंने आपसे बोला था, सेरेब्रल मलेरिया एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में हमारा ये यूज किया जाता है, क्विनिन दिया जाता है। Now the next, among the following, which one is the immunosuppressive anti-metabolite? Immunosuppressive anti-metabolite, anti-cancer classification का है बेटा, anti-cancer के classification का है। Anti-metabolite में कौन सा immunosuppression property रखता है? दो drug यहाँ पे आती हैं, एक तो हमारा आता है methotrexate, याद किया ना, folate antagonist, हाँ जी, और दूसरा आपने purine antagonist में एक drug पढ़ी होगी, कौन सी? Azathioprine, हाँ जी, Azathioprine and methotrexate, these are the anti-metabolite which are the drug for the immunosuppressive property, बस आंसर इसी में है। देखो साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोसेरिन, जरा मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइक्लोसेरिन होता है इम्यूनोसप्रेशन, साइक्लोस्पोरिन हमारा एंटी ट्यूबरकुलर सेकेंड लाइन आता है, प्रिडनिसोलोन है ये हमारा इम्यूनोसप्रेसिव है, लेकिन देखो ये भी हमारा इम्यूनोसप्रेशेंट है, चारों हमारे इम्यूनोसप्रेशेंट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंटी मेटाबोलाइट इम्यूनोसप्रेशेंट, तो आंसर क्या करोगे, एजाथियोप्रिन करोगे, बस यही आंसर है, बस यही आंसर छिपा है, तो हमने क्या बोला एंटी मेटाबोलाइट, कहां हो भाई, कहां हो भाई, हां जी एंटी मेटाबोलाइट की बात कर रहे हैं, एजाथियोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, ये हमारी ड्रग आती है। ओके परेश जी, मैंने आपसे बोला सब कुछ आपको जीडीसी क्लासेस ऐप में आंसर मिलेगा। द डब्ल्यूएचओ रेजिम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोमेटस लेप्रोसी पढ़ाया है, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी, ट्यूबरकुलॉइड बॉर्डरलाइन, लेप्रोमेटस बॉर्डरलाइन, कहीं भी हो लेकिन ड्रग का कॉम्बिनेशन तो याद है ना, ड्रग का कॉम्बिनेशन तो याद है ना, जल्दी बोलो। अरे भाई साहब, आरडीसी नहीं याद है, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन तो यही है ना, डैप्सोन, क्लोफाजिमिन एंड रिफैम्पसिन, कितना सोचोगे, डायरेक्ट चीज पूछा है, कब पढ़ाया, किसी सीधे सीधे पढ़ाया है, ए इज द करेक्ट आंसर, हां जी सीडीआर के डीआरसी के बारे में बात किया, बस डीआरसी याद रखना है, यही तो हमारा इसका है, रिफैम्पसिन, डैप्सोन, क्लोफाजिमिन। अच्छा रिफैम्पसिन दिया क्यों जाता है, वो भी आंसर आपको मिला है कि डैप्सोन के रेजिस्टेंस को घटाने के लिए, क्लोफाजिमिन क्यों दिया जाता है, लेप्रा रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए, भूलो नहीं, सब चीज से क्वेश्चन बनेंगे। ओके द वाइटामिन एडमिनिस्टर्ड विद द आइसोनियाज़िड टू मिनिमाइज इट्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या बोला जाता है, जो हमारा आइसोनियाज़िड की बात होती है ये कॉज करता है क्या, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है, याद है ना, ऑप्टिक न्यूराइटिस हमने बात किया होगा, तो पेरिफेरल क्या लिख रहा हूं यार, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज होता है और इसके लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस आती है क्या, विटामिन B6, जब आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया वहां भी बताया, जब आपको मैंने कोलोजी पढ़ाया वहां भी बताया, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, विटामिन B6 बोले तो पाइरिडॉक्सिन, हाँ जी विटामिन B6, चलिए पाइरिडॉक्सिन आया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बस एग्जैक्टली। नेक्स्ट,
All of the following antibiotics are derived from the species of the Streptomyces except. बिहार डीआई का क्वेश्चन है, आ जाओ जरा. Also with the pyrazinamide. नहीं 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 नहीं, pyrazinamide के साथ नहीं. Pyrazinamide में hepatotoxicity होती है, उसके साथ नहीं दिया जाता. गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं. चलो, erythromycin का सोर्स क्या है? Streptomyces erythreus. Tetracycline का सोर्स क्या होता है? Streptomyces erythrophagans. Bacitracin की बात किया जाएगा, Bacillus, Bacillus subtilis, कुछ याद आ रहा है? Bacillus subtilis और nystatin, तो अभी हमने बोला था Streptomyces, Streptomyces nauseae. तो ये Streptomyces है, ये Streptomyces है, ये भी है, लेकिन बस ये हमारा क्या है? Bacillus subtilis से ऑब्टेन होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? एंटीबायोटिक आता है. और कौन सा एंटीबायोटिक? पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक हमारा आता है. Bacitracin, Bacitracin, Colistin, Thiothracin, याद है ड्रग? हां जी, बहुत बढ़िया. तो ये Bacillus derived है. तो हमने क्या बोला? Bacillus subtilis से हमने क्या बोला यहाँ पे? Nystatin, Nauci, Erythromycin, Erythreus, Streptomyces, Graecius, Tetracycline हमारी Orphaceans से obtained होता है. बस बात खत्म. Next, aminoglycoside inhibit bacterial protein synthesis by binding to drug control officer, Rajasthan, DCO 2018. कहाँ bind करता है? Aminoglycoside दिखे by at 30, cell at 50, याद आया कि नहीं? सुनील जी, आंसर एक ही है. जेडीसी क्लासेस ऐप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. डीआई, फार्मासिस्ट, जीपैट, तीनों की क्लासेस का इंफॉर्मेशन आपको वही मिलेगा. बैक्ट पी फॉर द बैक्टीरिया, गुड. 30S राइबोसोम मिला कि नहीं? और क्या करता है? मिसरीडिंग ऑफ द एमआरएनए कोडॉन, मिसरीडिंग ऑफ द एमआरएनए कोडॉन इनहिबिट द इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. बस वहीं से तो कहानी है. ब्लॉक द इनिशिएशन एंड द मिसरीडिंग, बढ़िया. Rifampicin, an antimicrobacterial agent act on. Rifampicin कहाँ काम करता है? डायरेक्ट एंजाइम है. जल्दी आंसर आप लोग करिएगा, मुझे नहीं आता है. हरियाणा डीसीओ 2019 का. ओके, बाय द वे, टू 30S एंड 50S बोथ पर एक्ट करता है. गुड, चलो चलो जल्दी आंसर करो. क्या बताया था? बी और सी में कंफ्यूजन क्यों है? एक सेकेंड गायत्री बेटा, एक सेकेंड. ये बी वाले थोड़ा साइड होके आ जाओ. बस यही अंतर है. जो आपकी डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो हमने पढ़ा था ना, वहां पे आता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. लेकिन यहां पे क्या आएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. रिफैम्पसिन हमारा ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, और जो आप बता रहे हो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की कहानी है. तो यहां पे क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आंसर क्या होगा? सी होगा. बात समझ में आई? नॉट एट ऑल अभिजीत. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रिफैम्पसिन की बात होती है. इतनी बार इसको पढ़े हो फिर भी गलत? ना 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 ना. चलो, अमीनोग्लाइकोसाइड मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन. अमीनोग्लाइकोसाइड में क्या आता है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी आती है, ओटोटॉक्सिसिटी आती है, हाँ कुछ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी आती है, कुछ में न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी आती है, वो अलग चीज है. लेकिन प्राइस किसी भी कोर्स की अगर आपको पता करना है, जेडीसी क्लासेस ऐप पे ही पता चलेगा, यहां पे आपको नहीं. अब बता दो, हिपेटो तो नहीं होता है, टेराटोजेनिक है, लेकिन मेन एडवर्स इफेक्ट की बात करोगे तो नेफ्रो और ओटो देखने को मिलेगा. मेजर पे तो नेफ्रो और ओटो ही है. बहुत इजी है, सही कह रहे हो बेटा समीक्षा, क्योंकि पढ़ा है तभी है. अभी उन बच्चों से पूछो जिन्होंने पढ़ा ना हो. सर, आई एम फ्रॉम द श्योर एमपी को चाहिए परसेज फ्रॉम द एसी. यस अनामिका, यू कैन बेटा. ओके, द साइटोटॉक्सिक ड्रग व्हिच एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग टोपोआइसोमरेज 2, टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2. आज ही मैंने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ाया था? टोपोआइसोमरेज 2 पे काम करने वाली ड्रग साइड में जाके काम करती है, यानी इटोपोसाइड एंड टेनोपोसाइड आती है.
इटोपोसाइड एंड टेनोपोसाइड आती हैं, और वन पे काम करने वाली ड्रग इरिनोटिकाइन एंड टोपोटिकाइन, तो वहां पे टोपो लग गया तो टोपो, जहां भी टोपो लगा है वहां पे टोपोआइसोमरेज होगा। बस अंतर किस चीज का है, साइड है तो टू है, ढूंढो इटोपोसाइड टेनोपोसाइड, ये हमारा टोपोआइसोमरेज टू पे काम करेगा, टोपोटिकाइन ये हमारा टोपो वन पे काम करेगा, बस अंतर इतना है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करेगा, और मिथोट्रेक्सेट की बात करेंगे तो एंटी मेटाबोलाइट फोलेट एंटागोनिस्ट है। अब कौन सी कहां काम करती है ये तो मत पूछने लगना कि टोपोसाइट टेनोपोसाइट इरिनोटिकाइन टोपोटिकाइन काम कहां करती है, तो G2 फेज में काम करती है, याद है? बढ़िया, चलो पूरा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था क्या, आउटी कैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट विच डज नॉट इनहिबिट द माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन, डज नॉट इनहिबिट द माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन, यूपीएससी डीआई 2000। जरा देखो 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 देखो, पैक्लिटैक्सेल, कोल्चिसिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, पूरे एंटी कैंसर में कहीं कोल्चिसिन आया था क्या? प्लीज, पूरे एंटी कैंसर में कहीं कोल्चिसिन आया था क्या? मुझे तो नहीं लगता है, मैंने तो इसको खाली गाउट और आर्थराइटिस में ही पढ़ा है, याद है? ना 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 ना, सभी आता है, लेकिन ये हमने आर्थराइटिस में पढ़ा है और यहां पे नॉट लिखा है। ये फिर पैक्लिटैक्सेल, हां बेटा पैक्लिटैक्सेल भी, विंका और टैक्सिन दोनों हमारे कहां काम करते हैं, एम फेज पे काम करते हैं, यही बताया था, एम फेज में ही माइक्रोटिब्यूल आएगा, समझ में आ रही बात? कोल्चिसिन फॉर द एक्यूट गाउट। अरे भाई साहब, इतना बड़ा ब्लंडर, ऐसा लग रहा है ना मुर्गा बना के टांग दे आप लोगों को, और कुछ नहीं है, पूरा क्लासिफिकेशन आज ही पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद भी कोल्चिसिन। द फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंटी कैंसर एजेंट विच इज ऑल्सो यूज इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिंपल बोलो ना, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट एक ही है, इसमें भी सोचोगे तो फिर क्या करोगे? समझ में आई बात? दैट इज द ओनली वन, मिथोट्रेक्सेट, झारखंड डीआई में, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फॉलेट एंटागोनिस्ट मिथोट्रेक्सेट, हाँ एंटी कैंसर भी है, हाँ इसमें इम्यूनोसप्रेशन प्रॉपर्टी भी है, हाँ ये आर्थराइटिस में भी यूज होता है, मिथोट्रेक्सेट, करेक्ट ना? द नेक्स्ट, एंटी कैंसर ड्रग बिलोंग टू इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स, चलो 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 चलिए चलिए चलिए, इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम, प्लेटिनम डेरिवेटिव, क्या पढ़ा जल्दी बोलो, सिस प्लेटिन, कार्बो प्लेटिन, ढूंढो आंसर, ढूंढो आंसर, प्लेटिन, प्लेटिनम, इनऑर्गेनिक मेटल कंटेनिंग, कैंसर में एक ही हमारा इनऑर्गेनिक मेटल यूज होता है, और वो क्या होता है, प्लेटिनम कंटेनिंग, दैट इज द सिस प्लेटिन, करेक्ट। और मेन एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है, इमेसिस, वोमिटिंग बहुत कॉज कराता है, और इसी के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या, कीमोथेरेपेटिक एजेंट इंड्यूस्ड वोमिटिंग के लिए ओंडेंसेट्रॉन, याद आ रहा है? बढ़िया, हां जी, हाईली इफेक्टिव और सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है। साइक्लोफॉस्फामाइड इज यूज्ड इन मेडिसिन एज, बिहार डीआई भैया क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे क्या, साइक्लोफॉस्फामाइड किस क्लास की ड्रग है, एड्स में यूज होती है, ओहो, ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है, ओहो, थैलेसीमिया में यूज होती है, वाह, मतलब सच में वाह, लगाओ जल्दी, एंटी कैंसर एजेंट है, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या है,
साइक्लोफॉस्फामाइड याद है ना, साइक्लोफॉस्फामाइड मेटाबोलाइट होने के बाद एल्डोफॉस्फामाइड बनाएगा, देन हमारा वो फॉस्फोरीमाइड मस्टर और एक्रोलिन बनाएगा। फॉस्फोरीमाइड मस्टर हमारा एंटी कीमोथेरेपेटिक कीमोथेरेपेटिक एक्टिविटी रखता है, और एक्रोलिन हमारा क्या करता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एलोपेसिया होता है, और इसका सेलेक्टिव एंटीडॉट हमारा क्या होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड की बात करेंगे तो आंसर आपकी तरफ से मुझे मिल जाना चाहिए, फिर मैं आगे चल रहा हूं। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, बेसना उसना मैं नहीं जानता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा। पाइरिमिडीन एनालॉग ड्रग इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, पाइरिमिडीन एनालॉग कैंसर का क्लासिफिकेशन। अगर जीपैट का पेपर ये बनाएंगे तो 500 में फिर 490 वाला ही क्वालिफाई होगा, एज आई नो जो मेरे बच्चे पढ़े हैं, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो मेरा बच्चा पढ़ा ना हो या मैंने पढ़ाया ना हो। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट की आपका हालत क्या है मुझे जरूर बताते जाइएगा। सर 1998 का पेपर है इसलिए लेवल इजी है, आजकल का नहीं। प्रियंका मैडम मैं 2019 का दिखा रहा हूं, 2020 का दिखा रहा हूं, 2018 का दिखा रहा हूं, अब 19-20 भी इतना पुराना तो नहीं होता है खैर, क्योंकि उसके बाद से तो पेपर ही नहीं हुए। ओके सिंपल आंसर है पाइरिमिडीन एनालॉग, 5-फ्लोरोयूरेसिल पाइरिमिडीन है, 6-थायोग्वेनिन हमारा प्यूरीन है, ये हमारा फोलेट एंटागोनिस्ट है, इसका यहां पे एंटी मेटाबोलाइट है ही नहीं है। ये वैसे 19 का था प्रियंका जी, आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पे है, वैसे ये 19 का ही था पाइरिमिडीन एनालॉग, चलेगा। चलिए फिर से 19 ही चलेंगे, अब देखते हैं ये कितना टफ है। Which of the following anti-neoplastic agent is comes under the alkylating agent? बहुत टफ है, सच में बहुत टफ है। फाइव फ्लोरोयूरेसिल कैप्सिटाबिन जेमसिटाबिन, हां जी ये सभी आएंगे। चलिए चलिए जल्दी करिए। अरे जल्दी करिए ना, क्या पढ़ाया एल्काइलेटिंग एजेंट में, नीट है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, एल्काइल सल्फोनेट, नेक्स्ट हमने बोला क्या, एल्काइल सल्फोनेट के बाद इथाइल एमीन, ट्रायाजेन, और हमारा लास्टली क्या था, नाइट्रोसो यूरिया था क्या, सल्फ, अच्छा अच्छा ठीक है वही वही वही। अब आप बात करोगे एल्काइलेटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड में क्या CMICM याद आ रहा है क्या, क्लोरम्ब्यूसिल, मेलफेलन, इफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, मैक्लोरीथामिन, हां जी बस बस बस। ओके मिल गया आंसर, एग्जैक्टली क्लोरम्ब्यूसिल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा प्यूरीन डेरिवेटिव है, ये फोलेट एंटागोनिस्ट है, ये हमारा पाइरिमिडीन एंटागोनिस्ट है। चलिए डी इज द करेक्ट आंसर, पूरा क्लासिफिकेशन आपको कवर करा दिया है। द एंटी कैंसर एक्शन ऑफ द एजाथियोप्रिन, ये भी 19 का है। एजाथियोप्रिन कैसे काम करता है, रेडिएशन प्यूरीन एंटागोनिस्ट, एल्काइलेशन, आयोडिनेशन। हाँ ठीक है बेंडामस्टिन भी डाल देंगे बेटा अगर इतना याद है तो, एल्काइल सल्फोनेट बिशल्फेन पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करता है, गुड। ए प्रिपरेशन इज बेटर Then every question is easy, otherwise ABCD is tough. ये भी अच्छा है, चलिए जल्दी आंसर करिएगा। एजाथियोप्रिन क्या है, प्यूरीन एंटागोनिस्ट है या नहीं, और उसके अलावा कुछ ही नहीं है, परेशान मत हो। Which of the following is a mitotic inhibitor and causes metaphase arrest? Deputy Commissioner, 2021 का पेपर है। माइटोटिक इनहिबिटर एंड कॉजेज मेटाफेज अरेस्ट, कितना टफ क्वेश्चन है जरा देखो। अच्छा बताना, मैं सभी से पूछना चाहूंगा जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा क्या वाकई पेपर इतना इजी लग रहा है, ना है ना इजी, प्लीज मैं सबका एक ओपिनियन जरूर चाहूंगा। चलो 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 जल्दी आंसर करो। बिसल्फेन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्काइलेटिंग एजेंट है।
विनक्रिस्टिन, साइटाराबिन एंड प्रोकार्बाजिन। चलो ध्यान से सुनना इस चीज में। नहीं मिला आंसर? अरे माइटोटिक इनहिबिटर, अरे साइटाराबिन हमारी एंटी मेटाबोलाइट है, प्रोकार्बाजिन की बात करेंगे, हमारा ये ट्रायाजिन डेरिवेटिव एल्काइल सल्फोनेट है। अब हमने ट्रायाजिन डेरिवेटिव, तो आंसर क्या है? विनक्रिस्टिन है ना? हां जी, विनक्रिस्टिन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। तो विनक्रिस्टिन, विंका डेरिवेटिव एंड टैक्सेन डेरिवेटिव हमारे एम फेज में काम करते हैं, स्टॉक एंड ग्लोब न्यूरोपैथी। एग्जैक्टली, यही 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 विनक्रिस्टिन। गुड, इसको ऑनकोविन के नाम से भी बोला जाता है। एंड एंटीबायोटिक विद द एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक विथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, झारखंड डीआई 2013। चलो 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 जल्दी बोलो। अरे एंटीबायोटिक, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बोलते हैं। और हमने पढ़ा है क्या, डॉक्सोरिबिसिन आता है, एजिथ्रोमाइसिन नहीं, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ये भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो डॉक्सोरिबिसिन, डाउनोरिबिसिन, इपीरिबिसिन, ये सभी तो है ना एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, तो ये एंटी कैंसर ही ड्रग तो है। तो आंसर लगाओ ना, काहे इंतजार कर रहे हो? एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन सी, ब्लियोमाइसिन। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इटोपोसाइड, अभी बात किया था, तमिलनाडु डीआई का पेपर है। चलो, अरेस्ट सेल साइकिल एट जीवन फेज, इटोपोसाइड की बात हो रही है, बाय इंटरैक्टिंग विद द टोपोआइसोमेरेज 1। हां जी, इटोपोसाइड की बात हो रही है, नहीं इटोपोसाइड तो 2 पे काम करेगा ना, तो हां जी टोपोआइसोमेरेज 2 ना, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं, बीटा ट्यूबुलिन नहीं। आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। मिल गया आप सभी का आंसर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था एरोनोटिकेंट टोपोटिकेंट टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट पे, और हमारा इटोपोसाइट टोनोपोसाइट हमारा कहां पे? टोपोआइसोमेरेज सेकंड पे काम करता है। बस बी आंसर इज द करेक्ट, सारे मोड ऑफ एक्शन हमने क्लियर किए हैं। गुड, एंटी कैंसर ड्रग कॉजिंग सीएड एम एज एन एडवर्स इफेक्ट। गुड, चलो अभी आपका क्वेश्चन था ना, वो आंसर यहां पे आपको मिल जाएगा। ये कुछ गड़बड़ है, सीएड होता है भाई, तो कुछ कंफ्यूजन है। सीएड याद है ना, क्या बोला है, क्या बोला जाता है सीएड? दैट इज द इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन, सिक्रीशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन। और ये ड्रग हमने कई जगह पढ़ी होंगी, बहुत सारी ड्रग आती है जो सीएड कॉज करती हैं, लेकिन यहां पे आंसर क्या है? विनक्रिस्टिन है जो सीएड कॉज करता है, नहीं विनब्लास्टिन नहीं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। गुड, दैट इज द विनक्रिस्टिन हमारी ड्रग है जो कॉज करेगी। और कौन कौन सी ड्रग कॉज करती है? वैसोप्रेशन, विनक्रिस्टिन, क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामाजेपिन। प्लीज इसको जरा एक बार लिख लीजिएगा, वी कैन स्टॉप मैच्योरेशन, वी कैन स्टॉप मैच्योरेशन। चलो गुड, विच इज एन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कौन सी है, यानी एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है? मेथोट्रेक्सेट है, पाइपराजिन नहीं है, एमेंटाडिन नहीं है, कोट्रीमोक्साजोल नहीं है। आंसर लगाओ ना, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रीशन, विनक्रिस्टिन। एग्जैक्टली, इसको वहां एड ऑन करिएगा, अभी जब डिटेल में पढ़ाएंगे ना तब वहां पे ये जरूर आएगा, अभी डिटेल में पढ़ना बाकी है ना इंडिविजुअल ड्रग, वहां पे बात करेंगे। कोरोना और इस पेपर इजी था।
चलो ओके 48th क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर एजेंट कॉज बोन मैरो सप्रेशन एक्सेप्ट. सभी यहां पे बोन मैरो सप्रेशन कॉज करते हैं एक्सेप्ट. जरा देखो एक्सेप्ट पूछा गया है, प्लीज उसको मत भूलिएगा. मुझे कुछ बोलना नहीं है, वैसे मुझे कुछ बोलना नहीं है सर. इटोपोसाइट तो जीवन पे काम करता है ना. क्वेश्चन नंबर 45, इटोपोसाइट जीवन पे, ओ जीवन पे काम करता है ठीक है, लेकिन मोड ऑफ एक्शन क्या है जरा ये बताओ बेटा शिवानी. इटोपोसाइड टोपोआइसोमरेज 2 पे काम करेगा. अब टोपोआइसोमरेज 2 हमारा जीवन पे भी होता है, G2 पे भी काम करेगा. हमें क्या देखना है, टोपोआइसोमरेज 2 पहले देखना है. सभी को मिला कि नहीं आंसर? अरे क्लोरामब्यूसिन हां जी कॉज करेगा, डाउनोरिबोसिन, डॉक्सोरिबोसिन, ये सब हमारे बोन मैरो सप्रेशन कॉज करेंगे क्योंकि नॉन एल्काइलेटिंग नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट है. लेकिन फ्लूटामाइड तो हमारा फ्लूटामाइड बीका लूटामाइड एंटी एंड्रोजन होते हैं, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है यार. नहीं समझ में आ रहा है? हां जी. सो फ्लूटामाइड एक्सेप्ट पूछा गया है, सभी हमारे बोन मैरो सप्रेशन करेंगे. कौन सा नहीं करेगा वो है फ्लूटामाइड, हमारा बोन मैरो सप्रेशन नहीं करेगा. सोचो ना जरा. हार्मोन का कोई ड्रग कर रहा है क्या? लुट जाओगे, लुट जाओगे. चलो हाई लेवल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टू आइसोनियाजिड इन्वॉल्व. अच्छा मतलब सिंपल कहने का मतलब है आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में कैसे डेवलप होता है. बस सिंपल आंसर है, आपके ही सारी चीजें समझने का तरीका है, बस एक ही लाइन है. गुड. मोड ऑफ एक्शन पता है कि नहीं? एक मिनट, आइसोनियाजिड का मोड ऑफ एक्शन तो याद है ना? क्या पढ़ाया था आइसोनियाजिड का मोड ऑफ एक्शन? कन्वर्ट होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, जो क्या करता है हमारा कैटालेज परऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट, हमारा उसके थ्रू एक्टिवेट होता है कैट जी. बस 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 बस. तुक्के अच्छे हैं. नहीं बेटा आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड नहीं यार, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं करेगा. प्लीज इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं करेगा. इनएक्टिवेशन से इसका कोई काम नहीं है. रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन दैट इनकोड कैटालेज. याद है कैट जी के बारे में बात किया होगा. आंसर मिला कि नहीं? सिंपल तो है. अरे माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट करेगा, लेकिन आंसर क्या है? रेजिस्टेंस. अगर हमारा रिड्यूस्ड हो गया, बाइंड ना कर पाए, बाइंड नहीं कर पाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं? एग्जैक्टली. आंसर इज द बी, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन की बात होगी. ओके लास्ट क्वेश्चन आंसर आपका आज के सेशन का. ऑलमोस्ट हम टाइम पे है. गुड. The most common mechanism of development of resistance to fluoroquinolones is. ना आंसर दिया जाए तो बेटा ज्यादा अच्छा है, अगर दिल ना तोड़ो तो अच्छा है. क्या कह रहा है? Resistance of the fluoroquinolones कैसे develop होता है? INH एंड कासा रिक्वायर्ड फॉर द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस. इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया. नहीं बेटा, 3 मंथ्स के लिए कौन सा कोर्स ज्वाइन किया जाए जो सर जल्दी हो जाए और जीपैट क्लियर हो जाए. 3 मंथ्स के लिए नहीं, 60 डेज के लिए आपको जीडीसी रैंकर बैच देखने को मिलेगा. फरवरी से जिसकी क्लासेस शुरू होंगी आप जीडीसी क्लासेस ऐप में वो देख सकते हैं. अरे साफ साफ तो बात किया था फ्लोरोक्विनोलोन्स में कैसे होता है. हाईली रेजिस्टेंस डेवलप होता है ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द अल्टरिंग साइट. टारगेट साइट पे हमारा क्या होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में देखने को मिलता है. हां जी. प्लीज बेटा गलतियां नहीं, गलतियां नहीं, ऐसी ऐसी गलतियां गुंजाइश नहीं है. एंजाइम का यहां पे कोई रोल नहीं है, प्लाज्मिक ट्रांसमिशन होता नहीं है एंड अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे आता नहीं है. क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर बाय द फॉर द डेव. हमने क्या बोला था? म्यूटेशन इनटू द टारगेटेड साइट. याद है ना? म्यूटेशन इनटू द टारगेटेड साइट एंड परमेबिलिटी चेंज यहां पे हमारा आता है. दैट्स ऑल.
तो ये रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस अंडर द फार्माकोलॉजी. गुड. हां जी. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आई होप इन क्वेश्चन से काफी कुछ आपका रिवीजन हुआ होगा, क्योंकि अभी एंटी माइक्रोबियल एजेंट आपने पढ़ा है और क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा भी लगता है. लेकिन और ज्यादा अच्छा लगाने के लिए कल यानी संडे 5 बजे जीडीसी का वीकली टेस्ट देना ना भूले जीडीसी क्लासेस ऐप में. और इस बार का टॉपिक क्या है? सीएनएस. तो पूरा सीएनएस का रिवीजन ये सबसे बेस्ट तरीका है. तो कल 5 बजे जीडीसी क्लासेस ऐप पे जरूर जुड़िएगा, वीकली टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ट्यूजडे को. एग्जैक्टली. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आज का सेशन यहीं तक. हाँ, कल शाम में भी हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस का पेपर हम डिस्कस करेंगे रात 9 बजे, जहां पे हमारा क्लास नंबर 15 होगा, जहां पे हम ज्यूरिसप्रूडेंस का लास्ट पार्ट कवर करेंगे. यस. चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आज की क्लास यहीं तक. ओके, थैंक यू.